ये सही है। चल भाई टीपू तू भी बन जा कोई, उसे कबूतर ही नहीं पकड़ा जाएगा। वाह 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 टीपू भाई, टीपू शाह ने कबूतर पकड़ लिया है। सर मैं चाहता हूँ अच्छा देखिए दो चिट्स हैं तो हम इंस्टेंट सेफ्टी पिन करेंगे कबूतर का पांव उधर। हाँ यार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके आप एक्सपर्ट है कबूतरों की पर्चियाँ खोलने में, तो ये खोल ताकि ये बेचारा जख्मी ना हो। ये मेरी है कबूतर जो 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 चलो भाई भाई लव कबूतर ही गिर गया बेचारा। अच्छा अब देखते हैं इसमें से क्या आता है। मथिरा आप रेडी हैं फिर? तो माशाल्लाह शादी पर जाना है और अच्छा हस्बैंड की स्पेलिंग बहुत अच्छी लिखी इन्होंने। हाँ। हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, बेगम मेकअप में टाइम लगा रही है, दोनों कैरेक्टर पर एक सिचुएशन करें अलग आवाज में एक्ट करते मतलब बेगम भी बनना और मियाँ भी मतलब अली सलीम बेगम ना बनना खुदा अली सलीम बन जाए। टीपू भाई आप यहाँ खड़े होंगे, सामने वाला कैमरा आपको कवर करेगा, आपका फेस इधर होगा। अब टीपू इज वेरी टैलेंटेड, ही विल डू इट। ये जरा ये पकड़ाइएगा क्या जूता ना पकड़ाऊं तुम्हें, ये जरा वो पकड़ाइएगा ब्रश पकड़ाइएगा ब्रश ये लो दीजिए। अच्छा सुने वो खुशी को ना जरा दूध पिला दीजिएगा। बना लो दियो। अच्छा वो सुने वो आपने उसके लिए वो रख ली थी ना क्या कहते हैं फरत के लिए वो जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था रख लिया था। अरे वक्त जल्दी तैयार करो जानी भी हो रही हो ना। आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कोई याद आ रहा है क्या? ईद का दिन आज भी है भाई। अरे तुमसे तो बहस करना फजूल है। अच्छा तुम्हें तैयार होने दे। कैसी लग रही हो? जहर लग रही हो। अच्छा वो सुने क्या कहते हैं मेरी अम्मी के लिए शॉल तो रख ली थी ना आपने। अब तुम्हारी अम्मी के लिए शॉल भी मैं रखूंगा यार, पड़ी होगी यार उधर। वाह वाह वाह। नाइस क्या बात है क्या बात क्या बात एक्टर एक्टर ही होता है भाई। ये बात है क्या बात है। अच्छा मदीना मैं और तुम कबूतर पकड़ते ना जाके। हाय कबूतर दोनों मिलके मैं पकड़ूंगी तुम्हारे लिए कबूतर। अब देखो कोई होस्ट तुम्हारे लिए ये नहीं करेगा कभी, मैं करूंगी। हा, हा, है ना। चलो उसी में से एक और पर्ची भी तीन निकाल लेते ना। चले जी दो पर्चियां एक उसमें लगी हुई है। चले जी हम आते हैं। ढिंग ढिंग आए मदीना ढिंग ढिंग कबूतर भाई बेचारे देखे डर रहे हैं। बेटा लड़कियां आई हैं मतलब आप वहां भाग रहे हैं क्या हो गया आपको? अच्छा ये एक मुझे भी थोड़ा उठाने में ना डर लगता है। अच्छा ये तो सिलसिला थोड़ा सा उठाने के लिए। अच्छा यार कोई उठा देना भाई हमारे। उठा लो उठा कर खोल लो आज गब्बर गब्बर इज हियर। मथिरा के लिए कबूतर पकड़ने के लिए कितनी जल्दी आया आप ना, यहाँ बहन आवाज दे जा रही दे जा रही। अच्छा मतलब ये कौन से खाना जब शादी में खाना खुलता है तो ऐसा म्यूजिक बजता है ना। अच्छा नहीं भाई यूं खड़े होना एक काम काम करें। हाँ अच्छा अच्छा बस वाह 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 जी पर्ची मिल गई मथिरा के लिए चिट निकली है। नहीं नहीं साथ बोला था। हाँ हाँ साथ आप ये देखिए मैं काम आया ना आपको। अरे चले तो आपको टास्क देना चाहेंगे क्या मथिरा को क्या? चले मथिरा आप जो है वो टीपू और इनके बारे में कोई तीन अच्छी बात इनके बारे में करें और तीन अच्छी बात इनके बारे में। आवाज ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, खैर राहत की भी ऐसी आवाज नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से वाह 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 एंड वो बड़े आर्टिस्ट हो भी लेकिन
हम लोग एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं ना, एक ही उस्ताद, स्कूल ऑफ थॉट हम दोनों का एक ही है, मतलब थैंक यू बढ़िया, नहीं बट सॉरी राहत जी, थैंक यू बट Honestly, I think so that आपकी आवाज बहुत अच्छी है, साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने जाना निकल रहा है ये बहुत तारीफ भी कर ये तो रमजानों में कब फिर भी ज्यादा हो गया, ये तो रमजानों का पेड़ है। हाँ, रमजानों के बाद दूसरी बात मैं बोलूँ कि मुझे आपका ये शर्ट आपके लिए अच्छा है, अच्छा है, घर ले जाएं, देना नहीं, ये ना दुल्हन को अच्छा जो कोट है ये इसमें साथ कोई लालीवर हीरोइन बन जाए आप ये घर ले मीरा वाला स्टाइल ये अच्छा है। अच्छा जी आप टीपू भाई के बारे में तारीफ नहीं करनी, इनकी तीन आप बुराइयां बताएं, बुराइयां स्पाइक्स क्यों बनाई, ठीक है यार इस बंदे में बुराई ढूंढना बहुत ये बहुत सीधा बंदा है, क्या ये एक बुराई आजकल के जमाने में हद से ज्यादा सीधा, वाह 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 क्या बात है। और टीपू भाई शादी हो गई है आप वजन बढ़ाओ हल्का फुल्का, वजन बढ़े उसी वजह से तो नहीं बढ़ रहा सर, आठ साल से मतीरा इन्होंने वेट कम किया, एट इयर्स से लगे हुए पतले होने के चक्कर में, और आज आपने बोल दिया, आज ईमान से ना इन्होंने खाना शुरू कर दिया ना, नहीं एक्चुअली आई बिलीव दैट टीपू जी की माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है, एंड अगर वो थोड़ा सा यू नो अपने आप को ब्रॉड करेंगे ही लुक मच बेटर, अभी भी बहुत अच्छे लग रहे पर फिर वो पूरा वो विलन वाला लगेगा यू नो, क्या बात है, बुराई में भी अच्छाई है, उसमें भी अच्छाई है, आपको एक सजेशन है, मैंने बहुत अच्छा बहुत अरे जी अच्छा आप मेरी टास्क होगी ना है टीवी पे, क्या कहते हैं आप, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों आप बहुत आज तारीफ ज्यादा होगी टीवी पर, अरे भाई आप मेरे मतलब है देखें जब एक काम ठीक चल रहा है तो एक चल रहा है तो बाबा तो अब मेरे लिए तुमने कबूतर उठाया, अच्छा तुम चप्पल चेंज करके कबूतर जाओगी, चलो ठीक है एक्चुअली एक्चुअली अब आप जाओ मेरे लिए कबूतर पकड़ के लाओ जरा, मेरी प्यारी सी जवान लड़की है, प्यारी सी जवान लड़की बिल्कुल किसी और की तरह काम कर रही हो, चलो भाई वाह 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 वाह, और इसकी चिट नहीं भाई निकालेंगे, आप खोलने वाले इंसान हो गए हो, हर चीज खोलते हो, चुप हो पर्ची खोलो जी शर्मा रहे पर्ची खोलते पर्ची पढ़ोगी तो लाइव शो पर है यार बेचारे की ये नहीं भाई आप उधर मुंह करके खड़े हैं पूरे शो में मतीरा की तरह शक्ल है इनकी, मतलब पता है क्या कबूतर बेचारे मुझे डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत सख्त बांधा है, इसका बेचारे का हो गया गुनाह बेफालतू, पहले गुनाहगार आदमी है, हाँ अच्छा क्यों हंस क्यों रही हो आदमी, हम क्या ये लग रहे हैं क्या, अच्छा चार अपने ख्वाबों के शहजादे या मलिका की तस्वीर बनानी है और उसका नाम लिखना है, चार ख्वाबों के शहजादे बताने जी, एक तो मैं हो गया दूसरा मैं हूँ शायद अफरीदी और मैं हूँ शायद अफरीदी, मैं हूँ शायद अफरीदी, नहीं नहीं ये थोड़ा सही नहीं आया मतलब नहीं नहीं अब बस करो करना पड़ेगा अब ये मतलब चार ख्वाबों के शहजादे तो वो है ही नहीं, मैं तो एक एक नहीं वो इस तरह अब ये गेम है ना, ये तो है अच्छा ये तो गेम है, शहजादे तो है तीन तो है मुजम्मिल इब्राहिम इब्राहिम और चौथा आ जाएगा इंशाल्लाह, चौथा आपके डैडी भी हो सकते हैं, चौथा आपके डैडी मेरे अब्बू, बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन, देखो भाई वाह क्या बात है, चौथे आपके अब्बू भी हो सकते हैं, चौथे मेरे शादी के बाद ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल है मतलब चार से ज्यादा आपने घर में ढूंढ लिए, बच्चों मियां में भाई में, हम लेते हैं जी छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ आ जाएगा ईद मुबारक जी, तो सही है माँ बनने वाली हूँ प्रेग्नेंट हूँ सही है ये बन जा तू